Hello students, how are you? Today we are going to learn math standard 3. So students, today we teach about lesson number 4, prime and composite numbers, exercise 4.1. To be continued, उस दिन मैंने आपको 3 क्वेश्चन सिखाए थे, बाद में हम 4 से देखेंगे. From the counting numbers, find out least even and odd prime numbers. तो जो हमने 100 तक इवन और ऑड प्राइम नंबर सीखे थे उससे हमें लिस्ट बनानी है. तो फर्स्ट हम इवन प्राइम नंबर लिखेंगे स्टूडेंट्स. प्राइम नंबर है इवन 2. ओके, सिर्फ एक ही है इवन प्राइम नंबर, सिर्फ 2 है, बाकी के सभी ऑड प्राइम नंबर है. तो आपको आंसर में लिखते वक्त लिखना है और प्राइम नंबर्स, उसमें से है 3, 5, 7, 11, 13, 17, देन है 19, उसके बाद है 23, नेक्स्ट है 29, नेक्स्ट है 31, उसके बाद है 37, नेक्स्ट है 41, 43, 47 ए हो गए 50 तक. ओके, देन है 53, 59, नेक्स्ट जो है उसके बाद 61, 67, नेक्स्ट है 71, 73, 79, 83, 89, और जो लास्ट में बचा हुआ है वो है 97. तो स्टूडेंट्स, ए जो है, अभी मैंने आपको ये सिखाया, ए है और प्राइम नंबर्स, और सिर्फ इवन प्राइम नंबर्स एक ही वो है 2. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सेपरेट द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम द ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ए नंबर्स. तो हमें क्या करना है, अभी सेपरेट करना है, यहाँ पे ग्रुप दिया है. ओके, तो उसमें जो है हमें कंपोजिट नंबर्स जो है सेपरेट करने हैं, जो फॉलोइंग है इसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स हम अभी क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट करेंगे स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, इस ग्रुप में से हमें फर्स्ट प्राइम नंबर हम अभी इसमें से निकालेंगे. तो प्राइम नंबर को मैं यहाँ पे सर्कल करती हूँ, 2 एक प्राइम नंबर. ओके, देन है 5 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, ओके 19 प्राइम नंबर है और 23, और बाकी के जो बचे हैं स्टूडेंट्स 1, 10, 15, 20, 21, 25, ये है कॉम्पोजिट नंबर. ओके, क्योंकि उसके एक से ज्यादा, 1 जो है ये लिस्ट वाला प्राइम नंबर, एक ही फैक्टर है इसलिए वो किसी भी में नहीं आता. ओके, नॉट नॉर ए प्राइम नंबर, नॉट कंपोजिट नंबर्स. ओके, तो आपको लिखते वक्त जो मैंने अभी सर्कल करके दिए उसे लिखना है, आपको प्राइम नंबर हेडिंग लेकिन उसमें लिखना है, जो बचे हुए वो कंपोजिट नंबर्स में आपको लिखने हैं. नेक्स्ट ग्रुप में हम देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से प्राइम नंबर है 13. ओके, नेक्स्ट जो है 19, देन है 23 और ये 31. तो ए हो गए प्राइम नंबर, जो बचे हैं 12, 16, 18, 30, 35, 40, 42, 45, ये सभी क्या है कंपोजिट नंबर्स है, आपको ऐसे सेपरेट करके लिखना है. देन जो थर्ड ग्रुप है उसमें जो है स्टूडेंट्स प्राइम नंबर है 71 है, 73 है और लास्ट में जो है 79, ये है प्राइम नंबर. बाकी की जो है 50, 51, 54, 57, 59, 75, 80, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि उसके एक से ज्यादा फैक्टर है. नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, उसमें जो प्राइम नंबर है वही फर्स्ट 83 है. ओके, देन 89 और लास्ट में जो है 97, और बाकी जो बचे हुए 81, 82, 86, 90, 92, 95, 100, ये क्या है स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर्स है. इस तरह से आपको ये सेपरेट करना है. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 25 एंड 50.
तो हमें 25 और 50 के बीच में से प्राइम नंबर्स लिखने हैं. डू यू फाइंड इवन प्राइम नंबर्स? देन क्या आप इसमें से इवन प्राइम नंबर आप फाइंड कर सकते हो? तो फर्स्टली हम अभी लिखेंगे आंसर में लिखते वक्त प्राइम नंबर बिटवीन 25 एंड 50 आर. उसमें से जो है प्राइम नंबर वो है. अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो मैंने आपको सिखाए थे. तो फर्स्ट है 29, देन है 31, उसके बाद है 37, ओके. नेक्स्ट है 41, नेक्स्ट है उसमें से 43 और लास्ट वाला है 47. ये हो गए हैं प्राइम नंबर्स बिटवीन 25 to 50. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन किया था, डू यू फाइंड इवन प्राइम नंबर्स? देन इसमें से हमें इवन प्राइम नंबर सर्च करना है. यहाँ पे लास्ट में देख सकते हो 1 के प्लेस पे 9 है, 1 है, 7, 1, 3, 7. तो एक है सभी ऑड नंबर है स्टूडेंट, ओके. तो इसमें से सेकंड क्वेश्चन में हम लिखेंगे नो आई डिडंट फाइंड, ऐसा आपको लिखना है, एनी इवन प्राइम नंबर. क्योंकि इसमें से है नहीं, एक्चुअली इवन प्राइम नंबर है नहीं, इसलिए सभी क्या है ऑड नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी इवन नंबर विच इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर? राइट, सच ए प्राइम नंबर. यहाँ पे पूछा गया है इज देयर एनी इवन नंबर विच इज ए ऑल्सो प्राइम नंबर. अगर इवन नंबर प्राइम नंबर होता है तो कौन सा है यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है. तो हमने स्टूडेंट्स प्राइम नंबर देखे थे 1 to 100, उसमें सिर्फ एक ही नंबर से 2 जो क्या है प्राइम नंबर है और वो क्या है इवन नंबर है, इसलिए वो नंबर से सिर्फ 2, तो आपको आंसर 2 लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स विच इज इन देयर द प्राइम, सॉरी विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. यहाँ पे हमें लिखना है कि ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है. तो स्टूडेंट्स वो ही सिर्फ 1, क्योंकि 1 क्या होता है खुद को ही इससे फैक्टर होता है, खुद से ही वो फैक्ट हो जाता है, इसीलिए वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो आपको 1 लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से सॉल्व करने हैं. अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे. तो ये सभी जो है आपके नोटबुक में आपको लिखना है स्टूडेंट, सॉल्व करना है, उसके फोटो मुझे सेंड करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है राइट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स विच आर प्राइम. अभी हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं जो प्राइम है. तो स्टूडेंट्स वो है सिर्फ 2 and 3, इनकी क्या है जॉइंट जोड़ी है. तो ये क्या हो गए 2 नंबर्स हो गए, उनकी क्या है कंसेक्यूटिव यानी संलग्न, एक के बाद एक है, ठीक है, जॉइंट जोड़ी है वो कंटिन्यूअसली, इसलिए इसे कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं. नेक्स्ट है राइट ए पेयर ऑफ ए प्राइम नंबर्स बिटवीन विच देयर इज 1 कंपोजिट नंबर्स, हाउ मेनी सच पेयर आर देयर द बिटवीन 1 to 100. अभी हमें यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, 1 to 100 में, और उसके कंपोजिट जोड़ी लगानी है, कंपोजिट नंबर होने चाहिए. व्हाट इज द नेम ऑफ ए सच पेयर, तो उस पेयर का नाम क्या है. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे 1 to 100 में से फर्स्टली प्राइम नंबर की जो है कंपोजिट जो नंबर से वो लिख लेंगे. तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे अभी कंपोजिट नंबर जो है 1 to 100, ओके, 3, 5, 5, 7, क्योंकि वो कैसे होती है जोड़ी में पेयर में ही होती है. देन है 11, 13, ओके. नेक्स्ट जो है 17, 19, ओके. देन है 29, 31, ओके.
उसके बाद में 41, 43, नेक्स्ट है 59, 61, ओके, और लास्ट में जो है 71, 73, ये क्या है, एक पेयर है, ओके स्टूडेंट्स। तो चलो इसे कंपोजिट कहा, क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है, जैसे 3 के इसमें 4 आता है और 5 में एक 6 आता है, 7, इतनी पेयर्स होती है 1 to 100 में। जैसे 11 के बीच में 2 कंपोजिट नंबर्स है, 13 यहाँ पे आया है, 11, 30 की पेयर हो गई थी, 17 और इसके बीच में आया है 18 नंबर और 19, तो ये हो गए कंपोजिट, क्योंकि एक ही उसमें क्या है कंपोजिट नंबर से उसकी पेयर्स। देन 29 और 31, उसके बीच में 30 आता है, 41 to 42, इसमें 42 आता है, देन 59 to 61, उसमें जो है 60, लास्ट में 71 to 73, उसमें जो है कि एक ही कंपोजिट नंबर्स आता है, ये क्या हो गए, 8 पेयर, ओके। तो इस पेयर को क्या कहते हैं, सच पेयर इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर, कहते हैं इसे ट्विन प्राइम नंबर, यानी उसके बीच में सिर्फ क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है, यानी उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ एक ही नंबर्स का डिफरेंस होता है। ऐसी देयर आर 8 पेयर्स इन 1 to 100, ओके। ऐसी कितनी पेयर्स होती है, 80 पेयर होते हैं, इसे आपको आंसर्स में लिखना है स्टूडेंट्स। इस तरह से जो है हमें एक्सरसाइज 4.1 देखिए, तो ये सभी जो है आपके नोटबुक में सॉल्व करना है, ओके। देन उसके फोटोज निकाल के मुझे सेंड करने हैं। नाउ आई स्टॉप हियर, थैंक यू।